उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुंडा पांडा क्षेत्र में ऐसे भी कई गांव हैं जहां पर गरीब परिवारों का रैन बसेरा है। दलपतपुर, सिरसखेड़ा, नियमातपुर, इकरोटिया, मुंडा पांडे, खानपुर, लकी गोवर्धनपुर, आका पांडे, भोजपुर, ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर गरीब परिवार अपनी जिंदगी बुरे हाल में काट रहे हैं। उन गरीबों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए अभियान में हम सब गरीब लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन के चलते हमारे परिवार के सदस्य घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन कर रखा है और घर से निकल रहे हैं। तब पुलिस द्वारा समझाया जा रहा है कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो परिवार में अगर एक व्यक्ति को हो जाती है तब उस घर में सभी लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को लेकर पुलिस प्रशासन ने गाँव के अंदर अनाउंसमेंट करवाया था कि हर व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क व अंगोछा बांधकर ही घर में रहे, जिसके वजह से हम लोग अपने घरों में कैद होकर ही रह गए हैं और हमारे घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है। अगर हम लोग ग्राम प्रधान से शिकायत करते हैं तब ग्राम प्रधानों का कहना है कि हमारे घर पर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था हम लोगों ने गाँव के अंदर वितरण कर दिया। इसी बात को लेकर मुंडा पांडे के दर्जनों गाँव में गरीब लोग एक टाइम खाकर दूसरे टाइम की चिंता में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ग्राम प्रधानों द्वारा इन गरीबी के सहायता की जाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। इसरत जहां कांगा निवासी हो? दलपतपुर। अच्छा, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें 15 दिन होने जा रहे हैं, क्या क्या परेशानी आई है आपको? कुछ भी, बहुत परेशानी है, खाने को कुछ नहीं है, सब्जी नहीं, कमाने वाले नहीं, एक क्या कमाएंगे, सब लड़की लड़की है मेरे पास, जमान जमान। क्या करते हैं आप? तो वही रिक्शा चला मैं भैया, वही मजदूरी है, एक जने में क्या हो रहा, लड़की जमान है मेरी सब। मकान कैसे हैं आपके? बिल्कुल पिन्नी पड़ी है, ढाए पड़े हैं बिल्कुल भी, आप देख लीजिए। अच्छा, जैसे ग्राम प्रधान से शिकायत की आपने चीज़ी कभी? कुछ नहीं मिला हमें। क्या कहते हैं प्रधान? यही क्या ऊपर से कुछ ना आ रहा। अच्छा, जैसे अब खाने पीने में क्या परेशानी है आप लोगों को? यही है, सब्जी नहीं, आटा नहीं, सब चीज़ की परेशानी है, कोई मिर्च मसाला नहीं हमारे घर में डालने के लिए, कहाँ से ला मैं पैसे नहीं। कैसे खा रहे हो आप? बस कुछ ना खा रहे हैं, ऐसी रूखी फीकी खा रहे हैं। सरकार मिल से गई, मिली मिली ना मिली, सरकार से कोई सुविधा मिलती है? कुछ नहीं हमें कुछ। अच्छा, ग्राम प्रधान से आपने शिकायत करी इस चीज़ की? कुछ नहीं मिला हमें। प्रधान का क्या कहना है? वो गई क्या, अब ऊपर से आगा तब देंगे तुम्हें। आज तक कुछ नहीं दिया प्रधान ने? कुछ नहीं दिया, आप देख लें, लड़कियाँ सब मेरे पास। कहाँ के निवासी? अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है, हड़ताल चल रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी सभी है, क्या नाम है, खाने न मिल गया, सबसे ज्यादा परेशानी गई है। क्या नाम है, 10 दिन हो गए हमें सब्जी ना देखी हमने कोई सी भी। अच्छा। चटनी सब खा रहे हैं हम। अच्छा, कमाने वाले कौन कौन घर में? आप कोई नहीं है घर में? कमाने वाला कोई भी ना हमारे। फिर कैसे गुजर बसर कर रही है? बस ऐसी, अब तो ऐसी है, बाले बिल्ला है, क्या नाम है, अब कोटेंगे जब खाएंगे न, तो आज तो हमें फाका हमारे घर कुछ भी ना है। रात के खाया तुम? रात कुछ खाया? रात कुछ भी ना खाया हमने, भूखे सोए थे, भूखे सोए हम। अच्छा अच्छा, कोई सुविधा मिली ना? ना कुछ ना मिला हमें अभी, कोई गल्ला वल्ला या कुछ? ना ना कोई चीज़ भी ना मिली। आपका कार्ड बना हुआ है? हाँ, कार्ड बना हुआ, क्या नाम है, कुछ भी ना है। कार्ड से गल्ला मिलता आपको? नहीं मिलता। मिला है। कितना मिला? 8 किलो बस। 8 किलो? हाँ। अच्छा, दो माँ बेटियों को हमें, दोनों को। अच्छा, मकान आपका कच्चा पक्का है? कच्चा है। ग्राम प्रधान से शिकायत करी इस चीज़ की कभी? सबसे करी है, आज से कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। तो प्रधान ने कुछ सुविधा दी आपको? ना ना कुछ भी ना दिया। गए थे वैसे आप? गई ही। फिर क्या कह दिया प्रधान? अभी क्या नाम है, हम तो खुद ही ऐसे ही हैं, अभी हमारे पास कुछ ना है। तो आप क्या चाहते हो आप? हम दे चाहे बस, हमें खाने को तो मिल ही जावा, कुछ भी नहीं मिला था, कैंसर, हमें खाने को मिल जा बस। अच्छा, जैसे अब जंगल जंगल से लाते हो बाग गेहूँ बीन का क्या मतलब? ओ, ये बाले बीन के लाई, ये बाले बीन के लाई, कूट हुई अब। कूट के फिर क्या करोगे इनका? बस पिसवा लेंगे और क्या है। नोरी। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके पति जो हैं, शोहर आपके और आपके जेठ वगैरह, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, हमारे शोहर भी और जेठ भी हमारे। अच्छा, गुजर बसर कैसे कर रहे हो आप लोग सब? ऐसे कर रहे हैं सब, कभी तो भूखे से भूखे तो सोते नहीं है अभी तक, और अब ऐसे ही रहा तो आगे को भूखे ही सोएंगे। क्या काम करते हैं आपके पति? पति वही मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, जैसे हड़ताल चल रही है ये अब, तो अब कैसे बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं आप? कभी उधार भी ले में, नगद भी ले में, दुकान है ये हमारे पास में, इनसे उधार ले लें बेचारों से।
अच्छा आगे को लॉकडाउन और रहा फिर अब वो भी कहाँ तक देंगे उधर, अब ऐसी सरकार करेगी तो वो कहाँ तक देंगे उधर। सही बात। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 6 बच्चे। 6 बच्चे जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.